हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल न्यूट्रिशन फॉर लाइफ। और आज मैं आपको बना के दिखाने जा रही हूँ आंवले की लॉन्च, जो कि बहुत ही बेस्ट है बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, आई साइट्स के लिए और बड़ों के लिए भी अच्छी है। लेकिन बच्चे इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ और किसी भी पकौड़ी के साथ आप इसे दे सकते हैं। सॉस की जगह पर ये बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट देगी। तो मैंने इसमें अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स। मैं जीरा डालूंगी पहले, ये देखिए। ये देखिए जीरा क्रैकल्स हो गए हैं और पूरी तरीके से जब जीरा हल्का सा लाल हो जाए तो आप इसमें सौंफ डाल दीजिए। मैंने इसमें सौंफ डाल दी है, मोटी वाली अचार वाली सौंफ पड़ेगी इसमें, इसको आप डाल दीजिए। इसमें हम डाल रहे हैं मंगरेल, यानी कलौंजी भी इसे कहते हैं, ओनियन सीड भी कहते हैं। इसे डाल रहे हैं, एक अचार का फ्लेवर बिल्कुल से इसमें आ जाएगा, बहुत ही अच्छा। आपको जो अपनी गैस की जो आंच है उसको बिल्कुल मध्यम रखना है, एकदम धीमे रखिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी धनिया पिसी और हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। और डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला चीनी, 1/4 टीस्पून, आप जान समझ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको चला देंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं उबले और कटे हुए आंवले। जी हाँ, मैंने इन्हें उबाल के और काट के रख लिया है, आप भी इसे उबाल के और काट के रख सकते हैं। ये देखिए इसे हम इस तरीके से चला देंगे है। और विटामिन सी रिच होता है आंवला, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी आई साइट के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है आंवला। आंवला जो है वो हमारे आयुर्वेदा में बहुत ही बेस्ट माना गया है। इसे इस तरीके से हम मैश करते रहेंगे, इस तरीके से मैश करते हुए चलाइए। ये देखिए, ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं काला नमक, थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा सादा नमक, अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिए काला नमक और सादा नमक। इसे मैश करते हुए बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। जी हाँ, आप 250 ग्राम या 300 ग्राम गुड़ ले लीजिए और इन्हें इस तरीके से पीसेस में कट करके आप इनमें डाल दीजिए। जी हाँ, गुड़ भी आयरन रिच होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्थ के लिए, और गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है। आप इसे आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आंवला भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें जो मैंने जीरा सौंफ और बड़ा सौंफ डाला है, ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जो काला नमक है वो भी। तो ओवरऑल ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको धीरे से जब आपने गुड़ डाल दिया तो इसको इस तरीके से आप चलाते रहिए, थोड़ा सा इसको मीडियम बिल्कुल धीमी आँच पर छोड़ दीजिए जिससे ये मेल्ट हो जाए। मेरा थोड़ा सा शायद आँच तेज हो गया था तो हल्की सी कढ़ाई नीचे से लग गई। देखिए इसका गुड़ थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है, इस तरीके से बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी इसका आता है। और आंवले के साथ जो गुड़ का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेस्ट है। ये आपकी आईज़, ये आपकी स्किन को बहुत ही बेस्ट रखता है, एज को भी आपकी काफ़ी मेनटेन रखता है आंवला, अगर आप रोज़ एक आंवला लेते हैं। और आंवले का मुरब्बा भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आंवले की आप चटनी भी बना सकते हैं, आंवले की कैंडी भी बना के रख सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को भी दीजिए। ये ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा, ब्रेन आपकी मेमोरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो आंवला ओवरऑल एक सुपर फूड है, इससे वेट भी बहुत अच्छा लूज़ होता है। अगर आप सुबह आंवले का पानी लेते हैं उबाल के और आपको वेट लूज़ करना है तो ये बहुत बेस्ट है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है आपका। और ये गल गया है लेकिन फिर भी हमें इसे अभी 4-5 मिनट और पकाना है। ये रेडी है, अब मैं अपनी गैस को ऑफ कर दूंगी। और अब ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप इसे किसी कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 1 महीने तक फ्रिज में। जी हाँ, सही सुना आपने, एकदम ये जैम, बच्चों को जैम के जैसा टेस्ट देगा। अगर उन्हें पसंद आ गया तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों को आंवले का ये लॉन्च ज़रूर खिलाइए, ये बहुत ही बेहतरीन है उनकी हेल्थ के लिए। आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगा और इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, सारी बीमारियों से दूर रखता है। तो चलिए, बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम इसे अपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा।